मिशन की ओर से रैबिज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। पिछले 6 महीने शहर के कुछ युवा शहर में खुले घूमने वाले बीमार गूंगे जानवरों पर वैद्यकीय उपचार करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इन युवाओं ने प्यार फाउंडेशन नाम की संस्था स्थापन की है। कुछ दिन पूर्व इस फाउंडेशन के माध्यम से खुले घूमने वाले जानवरों के लिए टीकाकरण मुहिम ली गई। शहर के सैकड़ों जानवरों पर इस संस्था ने वैद्यकीय उपचार किया है। शहर में जगह जगह खुले घूमने वाले जानवर होते हैं। इनमें श्वान, बैल, गाय, भैंस आदि जानवरों का समावेश होता है। कई बार हादसे से जानवर जख्मी हो जाते हैं। खुले घूमने वाले श्वानों को कई बार बीमारियां जकड़ लेती है, तो कई जानवर उपचार से वंचित रहते हैं और ऐसे समय में कई जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन श्वान की बीमारी से मानव को खतरा हो सकता है, जिससे श्वान पर समय पर ही उपचार करना जरूरी होता है। इसी भावना से इस फाउंडेशन की स्थापना हुई। देवेंद्र रायपल्ली, राहुल भोयर, अभिजीत जावरे, अभिलाष लांबर्ट, निखिल असवार, सोनिया चोपड़े, आलिया त्रिवेदी आदि युवकों ने इसके लिए पुढ़ाकार लिया और प्यार फाउंडेशन को आयाम मिला। पिछले 6 महीनों से यह संस्था गूंगे खुले घूमने वाले जानवरों पर उपचार कर रही है। हजारों जानवरों पर उपचार कर जीवन दान देने का काम यह युवा कर रहे हैं। फाउंडेशन के माध्यम से मैं सबको आह्वान करता हूँ कि सब हमको ज्वाइन हो। हमें डोनेशन की बहुत ज़रूरत है ये सब स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो डोनेशंस के लिए आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं इस नंबर पे 9422567030। मैं रिपीट करता हूँ 9422567030। आप फेसबुक पेज पे भी हमको प्यार फाउंडेशन के नाम से जोड़ सकते हैं। आप इंस्टा पे भी प्यार फाउंडेशन के नाम से, या तक कि ट्विटर पे भी आप प्यार फाउंडेशन के नाम से हमको जोड़ सकते हैं। और आज का कार्यक्रम जो हमने किया वो हैशटैग प्यार मूवमेंट के नाम से किया है। आप हमको पूरा फेसबुक पे या ट्विटर पे आप हमको इस टैग के साथ। प्यार फाउंडेशन का बेसिक उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी जानवर है, एनिमल्स है, उनको रेस्क्यू करें, उनके ट्रीटमेंट करें। आज का हमारा प्रोग्राम बेसिकली रेबीज़ वैक्सीनेशन का था। रेबीज़ ये एक ऐसा डिसीज़ है जो कि एक जूनोटिक डिसीज़ है, जो एक जानवर से इंसान को होता है। इस बारे में हमारा आज का प्रोग्राम था और हमने करीबन 25 डॉग्स को आज वैक्सीन दिया है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स थे बेसिकली। नॉट ओनली डॉग्स, कैट्स में भी ये रोग काफ़ी पाया जाता है और इसके बारे में सबको जानकारी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक डेडली डिसीज़ है। इस पर कोई भी उपचार नहीं होता है और आज का हमारा उद्देश्य यही था कि जितने भी हो सके स्ट्रीट डॉग्स को हम रेबीज़ वैक्सीनेशन दें।